अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, सुबह सुबह असीम और रिजवाना आ गई है, आयु को पढ़ा रही है। वो लोग तो खेलने लगे थे, फिर मैंने बोला सुबह सुबह पहले पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ा लिखा करो उसके बाद खेलो। तो वो लोग खेलने लगे, अब सॉरी वो लोग पढ़ने लगे हैं और अभी पढ़ाई करके फिर वो लोग तीनों खेलेंगे। आज बनाने वाली हूँ मसूर की दाल, मूंग की दाल ज़्यादा, मसूर की दाल थोड़ा अभी ले लिया है मैंने यहाँ पे। और ये देखिए दाम स्टिक, जो सजना, हमारे यहाँ पे सजना बोलते हैं, पता नहीं कहाँ क्या बोलते हैं, ये दाम स्टिक है। तो दोनों मिला के मैं दाल बनाने वाली हूँ, उसकी रेसिपी मैं देने वाली हूँ आज, तो देख लीजिए। कैसे बनाने वाली हूँ ऐसे? नहीं तो फिर ऐसे? नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और इसकी हेल्थी बेनिफिट भी लीजिए। खा के भी बहुत टेस्टी लगता है, खा के भी देखिए हम कैसे बनाते हैं इसकी दाल। दाल में मैंने डाल दिया थोड़ी सी अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक, बस हो गया है। ऐसे मैं नॉर्मल दाल बनाती हूँ। और अभी दो सीटी लगाने के बाद मैंने घूट लिया है अच्छे से, उसके बाद मैंने ये ड्रम स्टिक मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं एक या दो सीटी लगा दूंगी, बस हो गया है हमारी तैयार दाल। अभी छौंक लगाने का बाकी है, छौंक लगाएंगे पाँच फोरन और प्याज के साथ, बस हो गया है हमारा दाल रेडी। ये देखिए आज नैना ने आयु को एक गिफ्ट दिया है, इसे अपने क्या स्कॉल के जैसे जो है, तो ये लाया नैना। नैना और नैना की फैमिली गए थे, नैना सब गए थे दार्जिलिंग गैंगटॉक, तो वहाँ से ये स्टॉल आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही प्यारा है और मैंने दिखाना दिखाया नहीं था। ये देखिए आयु के बर्थडे में आयु की नानी ने ये दिया है आयु को। फ्रॉक तो आप लोगों ने देखा था, वाइट वाला जो फ्रॉक पहना था अगले दिन, तो वही था। और ये स्वेटर, स्वेटर दिया था आयु के मामा ने आयु को, और मैंने ये लाया स्वेटर। गर्मी के सीजन आ गए हैं तो अभी स्वेटर का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने बचाया तो मैं पहनूंगी, आयु को भी पहनाऊंगी ये सब। ये देखिए लंबा वाला जो स्वेटर है वही है, ये एकदम सिंपल है क्योंकि मुझे सिंपल ही पसंद है, तो इसलिए। और ये गिटार फ्रेम दिया है, फोटो फ्रेम दिया है मेरे चाचा ने आयु को और दिया है। और ये तांबे का ग्लास और प्लेट भी दिया है चाचा ने, तो मुझे अभी इन सब चीज़ों की फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, एक यूज़ कर रही हूँ, तो ये सब मैं अच्छे से संभाल के रख दूँगी अंदर अलमारी में। ये दो चीज़ें मेरे चाचा ने दिया है और बाकी के मेरे मामा, एक मामा आए थे और नानी, मेरी मामी आई थी, तो उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है तो मैं वो बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह, क्योंकि अभी वो ड्रेसेस ड्रेस दिया था तो ड्रेसेस ट्रॉली में पड़ा हुआ है, ट्रॉली के कपड़े तो अभी तक निकाला ही नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, बाद में मैं दिखाऊंगी आप लोगों को वो ड्रेसेस। फिलहाल यहाँ पे ही मैं वीडियो को एंड कर लूँगी, खुदा ने चाहा तो कल एक नए ब्लॉग लेकर फिर से मुलाकात होगी, ब्लॉग में हमें याद रखिएगा। मेरी वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।